हेलो फ्रेंड्स, बड़ा सा एक्सपर्ट में यूट्यूब चैनल के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था ये वाला सर्किट और मैंने ये जो सर्किट है उसका कुछ चीज़ें आपको बताया था। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो देख लेना जाकर, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं क्या करूँगा, इस सर्किट को मैंने जो बोला था, जो UPS का जो ये बॉक्स है इसके अंदर मैं इसको अंदर यहाँ पर फिक्स करके हमारा जो घर का मेन इन्वर्टर है उसकी जगह पर इसको रखकर आपको चलाकर दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है आपके लिए। आपको ये चीज़ पता हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, तो वीडियो में हमारे साथ बने रहिए, लास्ट में आपको पता चल जाएगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इसका बॉक्स था, हमारा जो UPS है ये इसका बॉक्स था। और अभी मैं क्या करूँगा, ट्रांसफार्मर और जो हमारा सर्किट है उसको यहाँ पर इंस्टॉल कर दूँगा। और इसके बाद फ्रेंड्स, मैं इसको हमारा जो घर की जो इन्वर्टर है इसके साथ कनेक्ट करूँगा। और फ्रेंड्स, मैं जो यहाँ पर बैटरी, जो मैंने पिछली वीडियो में बैटरी यूज़ की थी, दो बैटरी को मैंने पैरेलल में कनेक्ट किया था, उन दो बैटरी को मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। इसके जो अंदर का बैटरी था, इसके साथ जो बैटरी आता है वो बैटरी ख़राब था, तो मैंने ये बैटरी ऐसे निकाल लिया। और अभी मैं क्या करूँगा, जो बैटरी का जो दो वायर है उसको मैंने ऐसे लंबा कर लिया ज्वाइन करके, और अभी मैं इसको इससे बाहर कर दूँगा और यहाँ पर बैटरी नहीं लगाऊँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी इस सर्किट को इस बॉक्स पर और ट्रांसफार्मर को इस बॉक्स पर फिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मैंने जो सर्किट और ट्रांसफार्मर है सारा कुछ मैंने यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर रख दिया। और यहाँ पर सो फ्रेंड्स, जो बैटरी था उसको मैंने निकाल लिया, और बैटरी का जो दो वायर है उनको मैंने निकाल लिया। मैंने यहाँ पर 2.5 mm का वायर यूज़ किया, जिससे कि जो बैटरी पर एनर्जी पहुँचने में कोई भी दिक्कत ना रहे। और फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर मैं एक्सटर्नली बैटरी यूज़ करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, इस किट पर आप बहुत ज़्यादा mAh का बैटरी यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि इस किट से ज़्यादा mAh का बैटरी आप चार्ज नहीं कर सकते। मैक्सिमम 35 mAh तक का ही बैटरी यहाँ पर यूज़ कीजिएगा तो ही अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इसे निकाल लिया, और अभी मैं यहाँ पर 7.2 mAh की दो बैटरी में यहाँ पर कनेक्ट करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी, इस वीडियो में बहुत से लोगों का कमेंट था कि जो हमारा UPS है वो ज़्यादा टाइम बैकअप नहीं देता। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपका सारा कुछ कन्फ्यूजन दूर कर दूँगा कि फ्रेंड्स, हमारा जो UPS है, अगर हम यहाँ पर ज़्यादा mAh की बैटरी यूज़ करें तो ये ज़्यादा समय बैकअप देगी। फ्रेंड्स, आपको तो पता ही होगा कि जो UPS है यहाँ पर छोटा सा एक 7 mAh का बैटरी लगा हुआ होता है, जिससे कि आपको ज़्यादा समय बैकअप नहीं मिल पाता। और फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर बैटरी का जो mAh है इसको थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे, यानी कि थोड़ा बड़ा बैटरी यूज़ करेंगे, बहुत बड़ा भी यूज़ मत कीजिएगा, 35 mAh से नीचे का यूज़ करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा बैकअप देगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पर एक और बात मैं बता देता हूँ, अगर जो UPS है यहाँ पर आप लोड बहुत ही कम देते हो, या फिर नो लोड पर जो UPS है वो थोड़ी समय बाद ये जो है ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। ये UPS का एक फीचर है, जिससे कि जो UPS है वो ऑफ हो जाएगा थोड़ी समय बाद, अगर आप यहाँ पर कोई भी लोड नहीं देते हो या फिर कम लोड देते हो। लेकिन आप जब यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा लोड देते हो तो ये बहुत समय चलता है। फ्रेंड्स, हमने बहुत रिसर्च करके देखा और हमने खुद एक्सपेरिमेंट करके देखा। फ्रेंड्स, हम वीडियो तभी बनाते हैं जब हमें पता चले, और हम बहुत ही एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, और जब हमें पता चले कि ऐसा भी वर्क कर रहा है तभी हम वीडियो बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, देख मैंने तो आपका सारा कुछ कन्फ्यूजन दूर कर दिया होगा। आपका एक और सवाल था कि एक भाई ने बोला था कि यहाँ पर 35 mAh का अगर हम बैटरी लगाएंगे तो ये जो UPS है इसको चार्ज नहीं कर पाएगा, लेकिन ये जो UPS है ये इसको चार्ज कर पाएगा, लेकिन टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। लेकिन जो बैटरी फुली चार्ज होने पर अगर आप इसको इस UPS के साथ कनेक्ट करोगे तो ये बैकअप बहुत ही ज़्यादा टाइम के लिए देगा, जो कि फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे से आप यूज़ कर सकते हो। इसलिए मैंने 35 mAh तक मैक्सिमम बैटरी आप यूज़ कर सकते हो ऐसा बोला था उस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, मैंने सारा कुछ कन्फ्यूजन दूर कर दिया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इसको कनेक्ट करके देखते हैं, हमारा जो घर का इन्वर्टर है उसके जगह पर हम इसको यूज़ कर पाते हैं कि नहीं पाते वो भी देख लेते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम
बहुत सी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाकर लाते हैं, और हम जो चीज ट्राई करके देखते हैं वही आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। और फ्रेंड्स, हम कोई भी फेक चीज़ आपको नहीं दिखाते, तो चलिए वीडियो को बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम आगे हैं जो हमारा इन्वर्टर जहाँ पर होते हैं, ये हमारा इन्वर्टर का टेबल है और इसके अंदर हमारा बैटरी छुपा हुआ है। और फ्रेंड्स, दिखा देता हूँ कि मैंने पहले से ही यहाँ पर जो हमारा इन्वर्टर का जो बॉक्स है इसको हमने यहाँ पर ऐसे रिमूव कर लिया, और अभी मैं यहाँ पर इसके जगह पर हमारा जो UPS है उसको रख कर आपको दिखा दूंगा। और पहले आपको मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पर जो बोर्ड है ये इस तरीके का है, ये आप देख पा रहे होंगे, इस वाले बोर्ड से हमारा जो इन्वर्टर है वो कनेक्ट करता है। अभी हम जो हमारा UPS है उसको भी यहाँ पर ही कनेक्ट करने वाले हैं, तो चलिए UPS को ले आते हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए ये हमारा UPS है जो कि मैंने यहाँ पर रख दिया। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने बैटरी को कनेक्ट नहीं किया, ये बैटरी का वायर है इसका। अभी मैं यहाँ पर बैटरी भी लगा हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि मैंने यहाँ पर 7H का दो बैटरी पैरेलल में कनेक्ट किया, और अभी मैं इन दो बैटरी को इस UPS के साथ कनेक्ट करने वाला हूँ। ये इसका वायर है बैटरी का, आप देख पा रहे होंगे, ये ब्लू वाला वायर निगेटिव, ये रेड वाला वायर पॉजिटिव। तो चलिए इसको अच्छे से यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 2.5 mm का वायर यूज़ किया, जिससे कि यहाँ पर लोड होने पर भी कोई भी तकलीफ ना हो। तो देखिए, मैंने यहाँ पर बैटरी को कनेक्ट कर दिया UPS के साथ। अभी इसका जो स्विच है इसको हम ऑन करके देख लेते हैं कि ये ऑन होता है कि नहीं होता। तो देखिए, हमारा जो UPS है वो अभी परफेक्टली वर्क कर रहा है, मतलब बैटरी से कनेक्ट हो चुका है। तो अभी हमें जो हमारा इन्वर्टर है इसको हमारा जो घर की बोर्ड है इसके साथ कनेक्ट करना है। पहले जो इन्वर्टर था उसके तरह ही हम कनेक्ट करेंगे। कैसे कनेक्ट करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले फैन, हमारा जो UPS है उसका जो ये प्लग है उसको हमें कनेक्ट करना होता है, हमारा जो जहाँ पर इन्वर्टर का बोर्ड है यहाँ पर कनेक्ट करना होता है। सिंपल, जो हमारा पहले वाला इन्वर्टर था उसके तरह ही हम कनेक्ट करेंगे, और देखेंगे अप्लायंसेस हम यहाँ पर चला सकते हैं कि नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा टाइट लग चुका है यहाँ पर। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो ये पिन है, ये जो प्लग है इसको हमें इन्वर्टर के पीछे लगाना होता था, लेकिन फ्रेंड्स अभी हम UPS के पीछे लगाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर एक दिक्कत हो गई कि हमारा जो ये पिन है, ये जो प्लग है वो बहुत ही बड़ा है, और यह अभी जो UPS का सॉकेट है यहाँ पर नहीं लग रहा। मैं आपको कैमरा नीचे करके दिखा देता हूँ। तो यह हमारा जो UPS है, UPS के पीछे का जो सॉकेट है, देखिए मैं आपको इस तरीके से दिखा देता हूँ। यह हमारा UPS के पीछे का सॉकेट है, और यहाँ पर ये जो प्लग है वो बहुत ही बड़ा है, इसलिए यहाँ पर ये नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो एक वायर हम निकाल लेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स, कौन सा वायर होता है आपको तो पता ही होगा, यहाँ पर हमेशा जो फेस वायर है वो होता है। यहाँ पर ये न्यूट्रल लिखा हुआ होता है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, और यहाँ पर लाइन लिखा हुआ है, जो लाइन लिखा हुआ है वही हमारा फेस है। तो हम जो लाइन लिखा हुआ है यहाँ से एक वायर निकालेंगे, और इसको हम कनेक्ट करेंगे यहाँ पर जो हमारा सॉकेट से आउटपुट निकलता है यहाँ पर जो लाइन लिखा हुआ है इसके साथ। फ्रेंड्स, अगर आपको इन्वर्टर का कनेक्शन समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम इन्वर्टर बोर्ड में कैसे इन्वर्टर कनेक्ट करना है ये भी मैं आपको बता दूंगा सारी डिटेल्स के साथ। तो चलिए यहाँ से मैं वायर को निकाल लेता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने कुछ इस तरीके से जो हमारा प्लग है यहाँ से जो हमारा फेस वायर है उसको ऐसे निकाल दिया, और अभी हमें बहुत ही केयरफुली इसको हमारा जो UPS है इसकी लाइन जो फेस जो यहाँ पर पॉइंट है आउटपुट का यहाँ पर हमें कनेक्ट करना होता है। मैं यहाँ पर केयरफुली इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी सारा कुछ कनेक्शन बहुत ही अच्छे से हो चुका है। फिर भी फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहता हूँ कि हमारा जो इन्वर्टर का जो पीछे वाला वायर है उसको मैंने हमें यहाँ पर कनेक्ट करना था, लेकिन इसका जो प्लग है यही पर नहीं आ पाता, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसके जिससे वायर निकाल कर फेस के साथ कनेक्ट कर रखा, आउटपुट के फेस के साथ कनेक्ट कर रखा, और यहाँ बैटरी के साथ भी कनेक्ट कर रखा। और अभी फ्रेंड्स, अभी जो हमारा UPS है उसको थोड़ा अच्छे तरीके से रख देता हूँ, जिससे कि आपको ऑन ऑफ पता चल सके। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से इसको अरेंज कर दिया। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से हमने सारा कुछ कनेक्शन कर चुका हूँ। अभी हमारा जो UPS है इसका जो मेंस वाला वायर है, ये इसका मेंस वाला वायर है, इसको हमें कहाँ कनेक्ट करना है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी मैं कैमरे को थोड़ा ऊपर करके आपको दिखा देता हूँ कि ये हमारा इन्वर्टर का बोर्ड था। अभी हमें जैसे हमने इन्वर्टर का जो सॉकेट यहाँ पर कनेक्ट किया था उसको भी हम यहाँ पर ऐसे कनेक्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, सारा कुछ कनेक्शन
अभी पूरा हो चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, हमारा जो UPS है उसको ऑन करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये वर्क करता है कि नहीं करता। तो चलिए अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स, हमारा जो इन्वर्टर है वो अभी कनेक्टेड हो चुका है बैटरी के साथ, और आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये हमारा जो घर की लाइन है इसके साथ भी कनेक्टेड हो चुका है। ये इसका इनपुट का सॉकेट है, और अभी हम घर के बोर्ड जो है इस बोर्ड में इन्वर्टर का कनेक्शन पहुँच चुका है, मतलब UPS का कनेक्शन पहुँच चुका है। तो चलिए अभी हम जो हमारा UPS है इसको ऑन कर लेते हैं, और अभी मैं आपको कुछ अप्लायंसेस भी चलाकर दिखा देता हूँ। कि सबसे पहले मैं यहाँ पर जो हमारा UPS है ये ऑन करके देता हूँ। तो जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया, हमारा जो UPS है वो अभी चलने लगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको हमारा जो घर का बोर्ड है आप देख पा रहे होंगे, मैं ऊपर करके दिखा देता हूँ कि ये हमारा घर का बोर्ड है, और यहाँ पर मैं आपको कुछ अप्लायंसेस चलाकर दिखा दूँगा। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो UPS है वो अभी साउंड कर रहा है, इसका जो बाजर है वो अभी साउंड कर रहा है। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक लाइट चलाकर दिखा देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे से यहाँ पर कनेक्शन पहुँच चुका है, मतलब हमारा जो UPS है वो एक इन्वर्टर की तरह वर्क कर रहा है। अभी मैं यहाँ पर कुछ ज़्यादा बड़ा अप्लायंसेस यानी कि पंखा चलाकर आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो घर का पंखा है ये आप देख पा रहे होंगे, ये बहुत ही अच्छे से चल रहा है, आप इसका साउंड सुन पा रहे होंगे, और हमारा जो UPS है वो भी अभी साउंड कर रहा है। तो गाइस देख लिया, ये अभी जो हमारा पंखा है वो अभी UPS से चल रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर जो इसका मेंस का स्विच है वो अभी ऑफ है, इसलिए हमारा जो पंखा है वो UPS से चल रहा है। जब भी मैं इस स्विच को ऐसे ऑन करूँगा तो हमारा जो पंखा है वो अभी लाइन से चलने लगा। तो देखिए ये UPS है यहाँ पर, और जैसे ही मैं स्विच को ऑफ करूँगा हमारा जो पंखा है वो डायरेक्ट UPS से बैकअप मोड पर चला जाएगा। देखिए जैसे ही मैंने स्विच को ऑफ कर दिया, अभी UPS से चल रहा है, और जैसे ही मैं स्विच को ऑन करूँगा अभी ये लाइन से चलने लगा। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा जो UPS है उसको एज ए इन्वर्टर यूज़ किया जा सकता है। और ये देखिए, ये जो हमारा इन्वर्टर है उसको मैंने साइड पर रख दिया, और देखिए ये अभी ऑफ है, आपको मैं दिखा देता हूँ, ये अभी ऑफ है, इसके साथ कनेक्टेड नहीं है। और हमारा जो UPS है UPS के साथ कनेक्टेड है, ये इसका मेन का वायर है, अभी देख सकते हैं ये UPS के साथ कनेक्टेड है, UPS के साथ कनेक्टेड है, बहुत ही अच्छे से चल रहा है। फ्रेंड्स, अभी मैं आपको फिर से स्विच को ऑफ करके दिखा देता हूँ। देखिए जैसे ही मैंने स्विच को ऑफ कर दिया, हमारा जो पंखा है ये अभी इस UPS से चल रहा है। तो फ्रेंड्स, इसी वीडियो में मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की कि आप एक UPS को एक इन्वर्टर की तरह भी यूज़ कर सकते हो। तो अभी मैं यहाँ पर इसका जो मेन स्विच है इसको ऑन करके थोड़ी देर बैटरी को चार्ज होने के लिए रख देता हूँ। और फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, वीडियो अगर थोड़ी सी भी नॉलेजेबल लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। और फ्रेंड्स, आप वीडियो देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते, हमें बहुत ही बुरा लगता है, प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक कर देना। और चलिए आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।